अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए तो मोली के टैंक की आपको अपडेट देनी थी कुछ और साथ ही फिश के टैंक की भी अपडेट देनी थी आपको तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें हमने गप्पी ग्रास ऐड की थी तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है कोई भी डाई ऑफ नहीं हुआ इसमें कोई भी मतलब पत्ते वगैरह ख़राब नहीं हुए तो जिसका मतलब है कि ये हमारी लाइट जो हमने डी आई वाई बनाई थी मैं आपको सामने से भी दिखा देता हूँ ये काफ़ी इफेक्टिव है इसमें ब्लू ग्रीन रेड रेड मेरा ख्याल है नहीं चल रही तो रेड ग्रीन और वाइट है तो ये काफ़ी अच्छा प्लांट्स के सपोर्ट कर रहा है लाइट तो ये देख सकते हैं प्लांट्स काफ़ी लश ग्रीन है और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं फिशेस भी काफ़ी इन्जॉय कर रही हैं इनको प्लांट्स को तो छुपने की जगह वगैरह मिल जाती है और साथ ही बैटा फिश के टैंक की तरफ आए तो इस तरफ थोड़ी सी कम लाइट है पर गप्पी ग्रास जो इधर बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है इसमें हॉनवर्थ भी था हॉनवर्थ थोड़ा सा डाई ऑफ हुआ है तो हॉनवर्थ की मेरे पास जस्ट ये रह गया शीशा थोड़ा सा गंदा हुआ जिसकी वजह से आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा ये पीछे हॉनवर्थ फ्लोट कर रहा है पानी में तो उसको भी हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे हॉनवर्थ हमारे पास रिकवर हो जाए तो उसको भी देखेंगे सन में रखेंगे किसी बकेट वगैरह में थोड़ी सी फिखी के साथ तो उसमें छोड़ेंगे ताकि ये भी ग्रो कर सके और थोड़ा स्प्रेड हो सके तो अभी इधर ठीक है फिलहाल ठीक है क्योंकि पहले गप्पी ग्रास के साथ था, था और गप्पी ग्रास बहुत ज़्यादा हो गई थी इसमें जिसकी वजह से सारे न्यूट्रिशन्स गप्पी ग्रास ले रही थी तो होनवर्थ को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला जिसकी वजह से वो डाई ऑफ हो गया और थोड़ा रह गया तो उसको भी हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे वरना तो ये हमारा प्लांट जो है वेस्ट हो जाएगा बाकी वो भी प्लांट काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी अच्छा लगता है तो कोशिश करेंगे उसको ही बचाएंगे बाकी मॉलिज़ वगैरह आप देख सकते हैं तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था इसमें एग्रेसिव मेल था तो वो थोड़ा सा डल मेशन में था डल में तो मैंने वो फिर निकाल ही दिया मेल इसमें से और दूसरा हमने अपना जेट ब्लैक का जो मेल है वो इसमें रिलीज़ कर दिया था और ये इतना डिस्टर्ब नहीं कर रहा फीमेल्स को बाकी फीमेल्स वगैरह के साथ घूम फिर रहा अच्छे से तो बुली वगैरह नहीं कर रहा फीमेल्स को तो ये काफ़ी अच्छा साइन है वो बहुत ज़्यादा बुली कर रहा था और ये वाली जो हमारी थोड़ी सी डलमेशन में फीमेल है लाइट सी इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी तो अब ये भी काफ़ी बेहतर है मूव कर रही है बाहर निकल रही है नहीं तो ये पहले प्लांट्स में छुप के बैठी हुई थी तो ये भी काफ़ी अच्छा साइन है तो उसको हमने अपने मेन टैंक में छोड़ दिया गोल्ड फिश वगैरह के साथ ही वो टैंक बड़ा है और उसमें फ्लो ज़्यादा तो उसकी वजह से वो इतनी डिस्टर्बेंस नहीं वहाँ पर कर और फिशिज़ भी ज़्यादा होने की वजह से कन्फ्यूज़ हो जाता है किस पर अटैक करना है और बाकी हमारी बैटा फिश देख सकते हैं माशाला से काफ़ी हेल्दी है अच्छे से इन्जॉय कर रही है घूम फिर रही है इसमें वाटर लेली भी हो गया थोड़ा सा वाटर लेली कह रहा हूँ डक वीड वो भी थोड़ी बहुत ग्रोथ कर रही है वो भी बस बेटा के साथ आ गए थे कुछ चंद पीस जब हमने बेटा परचेज की थी तो वो भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं स्प्रेड हो रहे हैं तो वो भी इंशाल्लाह स्प्रेड हो जाएंगे तो उस पर भी वीडियो में अपडेट दूंगा आपको तो बाकी देख सकते हैं ये है अपडेट मोली टैंक की और काफ़ी हेल्दी है फिज माशाल्लाह से अभी फीड डाली थी तो फीड डाल के अभी फीट खा ली इन्होंने तो बस अभी लाइट्स बंद करने का टाइम था तो मैंने कहा आपके साथ वीडियो में शेयर कर दें तो ये थी आज की वीडियो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच लाफेस